की बात कर रही है, आपने लोगों का जान चला प्यार देखा होगा, अगर जम्मू में क्या रही है तो सिर्फ बाकी कोई भी पार्टी कहीं भी नजर नहीं आ रही। लोगों का प्यार, लोगों के स्नेह के लिए मैं उनका धन्यवाद हमारा जो मार्जिन होगा पिछली बारी से भी ज्यादा होगा। पिछली बारी हम 51,000 वोट से जीते थे, तो हमारे मार्जिन की परसेंटेज होगी वो इससे भी ज्यादा होगी। सारी सूचियां जारी कर दी है लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई सूची को अपने चेहरे नहीं मिल रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहारी प्रभात चौक, प्रभात चौक बिहारी की तस्वीरें हैं। रोड शो का आगाज किया गया था आज के दिन, तमाम रिहाड़ी से होके होली फ्लोरा से होके रिहाड़ी वापस आए और जहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन टाउन हॉल में जाएंगे जहाँ पे नॉर्मल जियोग्राफी करेंगे। वही किसी और सोच की भी कमी ना उनके पास कोई विजन है ना कोई गठबंधन। ये तीन परिवार जो रहे चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, उन्होंने केवल जम्मू कश्मीर को लूटा ही है, उनको अलगाववाद आतंकवाद के लूटा है। 47,000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं जम्मू कश्मीर में इनकी गलत नीतियों के कारण हुई। जब से भाजपा आई धारा 370 हटाई, जम्मू कश्मीर में पीस प्रोग्रेस ये लाने का काम, शांति और विकास लाने का काम भाजपा ने किया है। और मैं कहना चाहता हूँ धारा 370 सदा सदा के लिए खत्म हो गई है, दुनिया की कोई ताकत अब वापस इसको नहीं ला सकती। दूसरा भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है कि हम आतंकवाद को जड़ से मिटाएंगे और यहाँ पर जो खून बहता है उसको खत्म कराएंगे। जैसे पथरावबाजी खत्म हुई वैसे आतंकवाद अलगाववाद भी जड़ से खत्म होगा। हमने जम्मू कश्मीर का विकास पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व किया है, रिकॉर्ड आंकड़े बताते हैं। और अगले 5 सालों में भाजपा की सरकार में नई ऊंचाइयों पर जम्मू कश्मीर को लेकर जाएंगे। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, ये लोग पीएसए को खत्म करना चाहते हैं, यानी कि पथरावबाजी करने वालों को, गोली चलाने वालों को सड़कों पर खुला छोड़ना चाहते हैं, नशा बेचने वालों को खुला छोड़ना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर के हालात फिर खराब कांग्रेस और एनसी करना चाहते हैं।
ये अपने आप में दिखाता है कि इनके पास कुछ नहीं है। अब ये ऐसे शगुफे छोड़ रहे हैं कि शंकराचार्य मंदिर को नाम बदलने का काम करेंगे, हरि पर्वत का नाम बदलने का काम करेंगे। अरे आप सत्ता में ही नहीं आओगे तो बदलोगे क्या? जम्मू कश्मीर की जनता जागरूक है, वो चाहती है शांति और विकास, वो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और दे रही है। मैं यही कहूंगा, जो सदियों से ना हो पाया वो एमसी कांग्रेस करना चाहती है, शंकराचार्य जी के मंदिर का नाम बदलना चाहती है, वो बदलना चाहती है हरिपर्वत के नाम को, वो खेलना चाहती है धर्म के नाम पर। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करते हैं, तभी हम मां सम्मान योजना लेकर आ रहे हैं, 18,000 रुपए महिलाओं को मिलेगा साल का, हम गरीबों को पेंशन, जो बुजुर्गों को पेंशन 3,000 रुपए महीने दे रहे हैं, बच्चों को लैपटॉप देने जा रहे हैं विद्यार्थियों को, और 10,000 रुपए ट्यूशन के देने जा रहे हैं, 5,00,000 सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं। और यही नहीं, जो हमारे वाल्मीकि हैं, हमारे जो SC ST वर्ग के लोग हैं, उनके लिए तो रिजर्वेशन का काम है, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और प्रमोशन में देने की बात भी। और मैं कहूं, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लोग आए थे उनको भी अगर न्याय और अधिकार किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हमारे साथ देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो देश की संसद पर आतंकी हमला करने वालों का समर्थन करते हैं। मेरा सवाल उमर अब्दुल्ला जी और फारूक अब्दुल्ला जी से है कि क्या आतंकवादी तमाम तुम कहा कि नाकाबू ने हमारे बीच में है और आज नामांकन करने जा रहे हैं। पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को दी है, एक साफ सभी के नेता भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री भैया, श्री भैया। अरविंद गुप्ता जिंदाबाद, अरविंद गुप्ता जिंदाबाद, अनु माली जिंदाबाद, अनु माली जिंदाबाद, अरविंद गुप्ता जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरा ये समर्थन आज अरविंद भाई के लिए कि मैं सभी वासियों से और जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करती हूँ कि भारी मत में इनको वोट दें और इनको भारी बहुमत से जिताएं। अरविंद माली जिंदाबाद, आपने लोगों का प्यार और जनसमूह देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के आज अरविंद गुप्ता वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से नॉमिनेशन भरने जा रहा है। आपने लोगों का प्यार और लोगों का जनसमूह आपने देखा है, और आपने देखा होगा कि बाकी कोई पार्टी यहाँ पे जमीन पे नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि पिछले 10 साल में अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम चौमुखा विकास की बात करते हैं, ना कि किसी एक प्रदेश को सेंट्रिक होकर बात करते हैं। इसलिए आने वाली टीम जो भारतीय जनता पार्टी जो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है बहुमत से जीतेगी। भारत माता की।